ओम शांति। हमें डबल लाइट स्थिति बनानी है, बाप समान बनना है। इसके लिए हमें अपने संपूर्ण व्यर्थ को स्वाहा करना होगा। जब तक हम व्यर्थ को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे पुरुषार्थ की स्पीड नहीं बढ़ सकेगी। हम तीव्र गति से उड़ नहीं पाएंगे, बाप समान नहीं बन पाएंगे और योग की शक्तिशाली अवस्था को, सर्व शक्तियों को स्वयं में अनुभूति से दूर हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, व्यर्थ को स्वयं के लिए, सर्व के लिए समाप्त कर दो। व्यर्थ का आधार तीन शब्दों में है, क्या, क्यों, कैसे। इन तीनों क्वेश्चन मार्क को बुद्धि से सदा के लिए डिलीट कर दो, खत्म कर दो। कभी भी बुद्धि में क्या, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये कैसे, वो कैसे, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब क्वेश्चन आज से नष्ट कर दो। तो क्या बन जाएंगे? डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। तो सहज फरिश्ता बनना, बाप समान बनना है, तो व्यर्थ को, नेगेटिव को आज से खत्म कर दो। क्योंकि बुद्धि में पहले व्यर्थ आता है और धीरे धीरे वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो स्वयं के लिए है, चाहे औरों के लिए है। वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। अगर आगे बढ़ना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता स्थिति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना है, तो क्या करो? व्यर्थ को सदा के लिए जीवन से मिटा दो और इस ब्राह्मण जीवन का, अलौकिक जीवन का सच्चा सुख और प्राप्तियों को स्वयं में अनुभव करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मन को स्वच्छ करो, क्लीन कर दो। क्लीन माना कोई भी व्यर्थ नहीं, व्यर्थ माना कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिसके साथ भी हैं, जो भी जीवन मिला है, बाबा मिला है, सबसे संतुष्ट, हर परिस्थिति में हल्के, डबल लाइट। और कोई भी ऐसी परिस्थिति या बात होती है, उसे बाबा को सौंप कर बिल्कुल हल्के हो जाओ, न्यारे हो जाओ। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। और अगर कोई आपके साथ कुछ ऐसा वैसा करता है, तो बाबा कहते हैं उसके लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना रखो। जब हम सबके लिए, स्वयं के लिए भी और सर्व के लिए भी, चाहे कोई आप पर कितना भी अपकार करेगा, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया, लेकिन उसके लिए भी दिल से शुभकामना, कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के लिए शुभकामना, शुभ भावना, ये है स्वच्छ मन। और जब हम अपने मन की स्थिति को ऐसा बना देंगे, क्वेश्चन मार्क को खत्म करके अपने मन को स्वच्छ, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना से भर देंगे, दुआओं से भर देंगे, अपने मन को भी और दूसरों के लिए भी, तो हम डबल लाइट फरिश्ता स्वतः ही बनने लगेंगे। तो इस हफ्ता इस पुरुषार्थ पर अटेंशन दो और देखो इस पुरुषार्थ की शक्तिशाली रिजल्ट को, और हम पाएंगे कि हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, डबल लाइट फरिश्ता बन रहे हैं। अब धुन लगा दो, मुझे फरिश्ता बनना है, मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट हूँ, बाप समान हूँ, क्वेश्चन मार्क से मुक्त हूँ, मेरे मन में सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम और कल्याण की भावना, दुआएं ही समाई है। तो ये है स्वच्छता। इस स्वच्छता से,
इस व्यर्थ से मुक्ति से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन होने लगेगा और जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है वैसा हम बन जाएंगे। डबल लाइट, लाइट और माइट से भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति।